जब भी मैं तुम्हारे हाथ लेटर भेजती हूँ वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, क्यों? इस बार मैं खुद तुम्हारे मम्मी पापा से मिलूंगी। ओ, अरे रे टीचर, आप इस बार क्या किया? दिन भर बदमाशी। हेनरी, तुमने फिर बदमाशी की? याद नहीं आ रहा। अंदर जाओ इसी वक्त। तुम लेट हो गए। चुप कर मच्छर। हेनरी, कहाँ जा रहे हो? अपने रूम में, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, तुम अपने रूम में नहीं जा सकते। हैं? क्यों नहीं? क्योंकि हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, एक बढ़िया से बड़ों के होटल में। बड़ों का होटल? बिल्कुल नहीं। मैंने बदमाशी की है, मैं गंदा हूँ, मुझे रूम में बंद कर दो प्लीज। आज नहीं, तुम जल्दी से नहा कर तैयार हो जाओ। नहाऊं? अभी नहीं। नहीं, आज तो मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। हेनरी! उसने फिर से कार की चाबी ले ली। हेनरी, हेनरी, मैं अंदर आ रहा हूँ। हेनरी नहीं, टॉयलेट में नहीं। क्या हेनरी अंदर डालेगा? ये पागल कर देगा। तुमने कुछ नहीं देखा पीटर। ओके, अब चलो। याहू, जल्दी चलिए। मुझे बाहर खाना और कुछ नया ट्राई करना बहुत पसंद है, सिर्फ बीट रूट को छोड़ के। हाँ, वाह, मुझे भी बाहर खाना पसंद है, सिर्फ सी फूड नहीं खाती। ओ, हाँ, और डैड को टमाटर पसंद नहीं है। और मुझे बर्गर छोड़ के कुछ भी नहीं खाना है, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। कह दिया तो कह दिया। ठीक है हेनरी, तो सुनो, अगर तुम अच्छे से रहोगे और प्लेट में दिया सारा खाना खत्म करोगे तो मैं तुम्हें 20 रुपए दूंगा। 20 रुपए? सिर्फ मुंह में खाना ठूसने के लिए? आज से पहले तो कुछ नहीं दिया मुझे, अब मैं 30 रुपए की बात करके देखता हूँ। 30 रुपए दोगे तो मैं चलूँगा। एक पैसा भी ऊपर नहीं। ठीक है, डील। अच्छा बनने के लिए मुझे क्या मिलेगा? ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद पीटर बेटा। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो रूबी आंटी ने हमें इतने महंगे होटल में खाने पर बुलाया है। हम बर्गर फॉरएवर पर चले, वहाँ असली खाना मिलता है। बदमाशी नहीं, तुम्हारा कजन स्टीव भी आ रहा है। ओ नो, अकड़ू स्टीव नहीं। स्टीव मेरा फेवरेट कजन है। गाड़ी कहाँ पार्क करूँ? आप चाबी हमें दे दीजिए सर, हम गाड़ी पार्क कर लेंगे। डार्लिंग, रूबी आंटी। रूबी, नई कार? ओ, हाँ, कल ही खरीदी है, 5 महीने पुरानी वाली नौकर को दे दी। तुम्हारी कार का क्या है हेनरी? हाँ, कबाड़ खाने वाले को दे दी क्या? थैंक यू सर। अरे वाह, जरा वो देखो। हाँ, कितना सुंदर है, और ये पूरा बर्फ का बना है। मुझे नहीं लगा था कि तू आएगा। नहीं आता अगर खाना ठूसने के लिए मुझे 20 रुपए नहीं मिल रहे होते। और मुझे अच्छा बनने के लिए मिल रहा है ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। हाँ? चुप कर कीड़े।
इतना महंगा होटल और फर्श तो देखो, लगता है जैसे चोर बाजार से लाए हो। माँ प्लीज धीरे बात करो। मुझे मत सिखाओ क्या करना है, इन लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, समझे? माँ धीरे। वाह, मुझे नहीं पता था कि टीचर्स को भी डांट पड़ती है। तो सब क्या खाना चाहते हैं? अगर मुझसे पूछे तो ये क्या अजीब अजीब नाम है इस होटल में। अबे डबर, पढ़ना भी आता है क्या तुझे? रूबी आंटी, आप ही मेरे लिए ऑर्डर कीजिए, मैं सब कुछ खाता हूँ। हम सब के लिए रूबी ही ऑर्डर करेगी। बहुत ही अच्छा आइडिया है। एक मिनट, मुझे अपना पूरा खाना खत्म करना है, तो मैं अपना खाना खुद ऑर्डर करूँगा। यहाँ बर्गर और चिप्स कहाँ लिखा है? सर वो सिर्फ दोपहर के खाने में मिलता है, और अभी हम डिनर का ऑर्डर ले रहे हैं। अगर दम है तो स्टार्टर्स में ये ऑर्डर करके दिखाओ टफर। एस्कार्गोट, वो क्या है? ऑर्डर तो कर। ज्यादा बकबक मत कर, समझा ना, तुझसे पूछा किसने? हाँ लल्लू, कर ले, पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में आया है ना, बाद में तो फंसेगा ही। चुप कर अकड़ू, मेरे लिए एक एस्कार्गो ऑर्डर कीजिए। बढ़िया चॉइस, ये हमारे यहाँ की खास डिश है। आपका ऑर्डर सर। उल्टी हो जाएगी मुझे। चलो सर खा के दिखा। ₹20 हेनरी, ₹20। अच्छा है, च्युइंगम जैसा टेस्ट है। ओ स्टीव, तू खाएगा थोड़ा सा? अच्छा है। पुस पुस आवाज मत करो। जी माँ। और सारी सब्जियाँ भी खानी है। हाँ माँ। हेनरी, गुड इवनिंग टीचर, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। वाह, कितना अच्छा लड़का है, तुम्हें अपने स्टूडेंट से कुछ सीखना चाहिए। बेटा सिर्फ दो बूंद, नहीं तो मुंह में आग लग जाएगी, ये सॉस बहुत ही ज्यादा तीखा है। सर क्या आप रास्ता भूल गए हैं? नहीं, असल में मेरा कजन तीखा सैलेड ऑर्डर करना भूल गया था, तो मैं वही शेफ को बोलने आया था। ठीक है, मैं उन्हें कह देता हूँ सर। वेरी गुड, और याद रखना उसे तीखा बहुत पसंद है, 5 बूंद जितना तीखा। यस, मुंह बंद करके खाओ, कितनी आवाज करती हो, सब सिखाना पड़ेगा क्या? माँ जरा सुनो बेटा, क्या मेरी बेटी तुम्हें ठीक से पढ़ाती है? माँ। ओह जी हाँ आंटी जी, ये तो बेस्ट टीचर है। वाह कितना अच्छा लड़का है, बहुत ही प्यारा है। लेकिन माँ, अब हेनरी तो मेरे क्लास का सबसे बदमाश लड़का है। तुमसे तो कम ही बदमाश होगा। चलो खाना आ गया। अरे देखो सी फूड, मुझे तो उल्टी आ रही है। मुझे टमाटर से नफरत है। और मुझे बीट पसंद नहीं है। ओह रूबी आंटी, आपने सबका फेवरेट खाना मंगवाया है। ओह थैंक यू बेटा, मैं सबकी पसंद जानती हूँ, अगर इतना पसंद आया है तो हम और मंगाएंगे, ठीक है? और सर आपके लिए यहाँ की ये एक्स्ट्रा स्पेशल डिश। मैं तो इसे कभी नहीं खा सकता, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना मिले। यही तो फर्क है तेरे और मेरे में, तू है जीरो और मैं हूँ हीरो। वाह यम्मी, चलो सब खाना शुरू करो, मजा आएगा। खाना शुरू करो। तो स्टीव कैसा है तुम्हारा खाना? चुपचाप बैठ कर खाना खाओ। मैडम आपको जाना होगा, आपके बेटे को हम और नहीं सह सकते।
अगर ऐसा है तो मैं भी यहाँ नहीं रुकना चाहता। और मैं भी नहीं। बाय बाय बीटरूट। लेकिन डैड आपने तो कहा था कि मुझे सब कुछ खाना पड़ेगा। ये लो तुम्हारे 20 रुपए, चलो चलकर बर्गर खाते हैं। वेरी गुड बेटा, कितने अच्छे मैनर्स हैं, तुम अपने कजिन जैसे नहीं हो। बर्गर फॉरएवर।